नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा क्या आप अपनी नई पिज़्ज़ा शॉप ओपन करने जा रहे हैं यदि आप अपनी नई पिज़्ज़ा शॉप ओपन करने जा रहे हैं वो आप छोटी शॉप ओपन करने जा रहे हैं यानी छोटे स्केल पर काम करने जा रहे हैं या बड़े स्केल पर काम करने जा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि एक पिज़्ज़ा शॉप खोलने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है छोटी में पैसा थोड़ा कम लगता है और बड़ा सेटअप करते हैं तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सामान को खरीदने में भी पैसा लगता है और अंदर का इंटीरियर कराने में भी बहुत पैसा लगता है कोई भी पिज़्ज़ा शॉप ओपन करता है तो उसके लाखों रुपए लग जाते हैं और लाखों रुपए लगने के बाद उसकी शॉप अच्छी नहीं चलती तो उसकी हिम्मत टूट जाती है आजकल हर बच्चा पिज्जा खाना पसंद करता है बच्चों के साथ बड़े व्यक्ति भी पिज्जा खाना पसंद करते हैं और जगह जगह पिज़्जा शॉप खुल गई है मार्केट में आपकी अपनी जगह है तो वो जगह आपकी करोड़ों रुपए की जरूर होगी और उसको तैयार करने में भी लाखों रुपए लग जाते हैं यदि आप अपनी पिज़्जा शॉप खोलने के लिए जगह किराए पर लेते हैं तो किराया भी बहुत ज़्यादा होता है जब व्यक्ति पिज़्ज़ा शॉप खोलता है या कोई भी काम करता है तो उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है कि हम ये भी करेंगे हम वो भी करेंगे जैसे वर्किंग बढ़िया आएगी तो हम अगली ब्रांच भी ओपन जरूर करेंगे हर आदमी के सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन सपने टूटते देर नहीं लगती यदि सेटअप सही नहीं होता उसके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं आती तो उसकी हिम्मत टूट जाती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपनी पिज़्ज़ा शॉप खोलने जा रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर सेटअप कैसे करना चाहिए मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए समझिए और विचार कीजिए आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप इस प्रकार आप अपनी पिज्जा शॉप ओपन कर सकते हैं छोटे स्केल पे करनी है तो भी और बड़े स्केल पे करनी है तो भी क्योंकि सेटअप तो वैसे ही रहेगा आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी पिज्जा शॉप इसमें आपको अपने यहाँ एंट्रेंस कैसे करनी चाहिए आपकी अपनी पिज्जा शॉप पहले से बनी हुई है और नॉर्थ फेसिंग है और आपकी पिज़्ज़ा शॉप अच्छी नहीं चल रही है तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए सुनिए समझिए और विचार कीजिए और आप अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर सबसे पहले तो एंट्रेंस कहाँ से करनी चाहिए आपके यहाँ जो एंट्रेंस होनी चाहिए वो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी चाहिए यहाँ से आप और आपका अपना कस्टमर अंदर आए आपकी दुकान की चौड़ाई कम है तो आपने अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से बनानी है आपके यहाँ चौड़ाई ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि नॉर्थ सेंट्रल से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही अपनी एंट्रेंस बनाए किसी कारण से आपकी दुकान की चौड़ाई कम है तो आप अपनी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट के भाग से भी कर सकते हैं यह एंट्रेंस भी आपकी वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी रहेगी सबसे पहले तो मैं आपको किचन के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको अपने यहाँ पर किचन का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए आपको अपनी किचन साउथ साइड में बैक साइड में बनानी है जितना स्पेस आपको अपने किचन के लिए चाहिए वो स्पेस आप अपना ले सकते हैं जब किचन बनाते हैं आपके यहाँ पिज्जा बनना है पिज़ा आपके यहाँ ओवन के अंदर बनेगा या इलेक्ट्रिक तंदूर के अंदर बनेगा उसके अंदर क्या चीज़ होती है गर्मी गर्मी का स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ होना चाहिए साउथ ईस्ट में या साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर या ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर ही होना चाहिए सबसे पहले तो आपको अपना ओवन कहाँ लगाना है ओवन आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहां पर आपका अपना ओवन आएगा ओवन के साथ में आपने इलेक्ट्रिक तंदूर और माइक्रोवेव लगाना है तो वो आपने यहां पर इस जोन में लगाना है यानी साउथ साउथ ईस्ट के बीच में लगाना है आपने अपने यहां पर सर्विस टेबल कहां लगानी है चॉपिंग टेबल कहां लगानी है वो टेबल आपकी साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार के साथ यहां पर आपके अपने दो तो टेबल्स आ जाएंगे आपने यहां पर टेबल एक लगानी है तो एक लगाए और दो लगानी है तो दो लगाए आपने अपने यहां पर जो सिंक लगाना है वो सिंक किचन के नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना सिंक लगाना है सिंक के साथ से ही थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहां से आपके अपने किचन के अंदर जाने की एंट्रेंस बनेगी इसी के साथ आपको एक तो डी फ्रिज चाहिए और डी फ्रिज के साथ साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक फ्रिज भी जरूर लगाना है वो आपने कहाँ लगाना है वो भी आपने डी फ्रिज आपका साउथ की दीवार के साथ साउथ में आ जाएगा और इसी के साथ में आपका कोल्ड्रिंक फ्रिज आएगा आपने अपने यहाँ पर सामान रखने के लिए जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज कहाँ करनी है वो सारी की सारी स्टोरेज आपने साउथ वेस्ट के भाग में ये आपके अपने रैक लग जाएंगे और इसके अंदर आपका अपना सामान आ जाएगा पैकिंग मटेरियल भी आ जाएगा और साथ में अपने अपने किचन से रिलेटेड जो सामान रखना है उसकी भी स्टोरेज आप यहाँ पर कर सकते हैं आपने अपने यहाँ पर सर्विस काउंटर कहाँ बनाना है सर्विस काउंटर आपका अपना गेट के साथ में ही यहाँ पर आपका अपना सर्विस काउंटर बनेगा और यहीं पर आपकी अपनी दो पर्सन की सीटिंग हो जाएगी ऐसे ही आपके यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति है एक की सीटिंग यहाँ हो जाएगी एक की यहाँ हो जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर काम करना है तो वो व्यक्ति अपने यहाँ पर खड़े होकर साउथ ओर फेस करके अपनी वर्किंग कर सकता है आपके अपनी पिज़्जा शॉप है आपके यहाँ होम डिलीवरी भी होती है या जो व्यक्ति आपके यहाँ आता है वो अपने घर के लिए पैक करा कर भी पिज़्ज़ा लेकर जाता है तो उसके लिए आपने एक टेबल लगानी है वो टेबल आपने कहाँ लगानी है ये आपकी अपनी एक सर्विस टेबल बन जाती है जितने साइज़ की आप टेबल लगाना चाहते हैं उतने साइज़ की आप अपनी टेबल लगा सकते हैं आपके यहाँ जो पैकिंग मटेरियल है जो रूटीन में यूज़ होने वाला है वो आप अपनी टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं जैसे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना मटेरियल भी इस टेबल पर रख सकते हैं आपने अपने यहां पर कस्टमर के बैठने की जो सीटिंग बनानी है वो कैसे बनानी है कस्टमर के बैठने की जो सीटिंग है वो आपकी अपनी जैसा स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से आपके अपनी टेबल्स लग जाएंगे एक लाइन में दो टेबल लगने की रिक्वायरमेंट है स्पेस है तो दो टेबल लगा सकते हैं और तीन लगने का स्पेस है तो यहां पर तीन भी लगा सकते हैं ऐसे ही आप अपने यहां टेबल बीच में भी लगा सकते हैं जितना स्पेस है सिंगल के हिसाब से स्पेस है तो सिंगल के हिसाब से लगाएं और डबल के हिसाब से स्पेस है तो आप अपने यहाँ पर डबल के हिसाब से भी टेबल लगा सकते हैं है। ऐसे ही आप अपने यहाँ पर इस वॉल के साथ भी टेबल लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ स्पेस कम है और आपने अपना मेन गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाया है आपने अपने यहाँ पर ईस्ट की दीवार के साथ कोई भी टेबल नहीं लगानी है यदि आपकी एंट्रेंस नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर है तो आप ईस्ट की दीवार के साथ भी अपने यहाँ टेबल लगा सकते हैं आपने अपने यहाँ पर जो पीने का पानी रखना है वो आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर रखना है दुकान की चौड़ाई आपकी कम है तो आप अपने यहाँ पर नॉर्थ सेंटर के भाग में भी पीने का पानी रख सकते हैं यदि आपके यहाँ फ्रंट के भाग में पीने का पानी यानी डिस्पेंसर रखने का स्पेस नहीं है तो वो डिस्पेंसर आप अपने यहाँ पर ईष्ट के भाग में यहाँ पर भी रख सकते हैं आपने अपने यहाँ पर मंदिर लगाना है तो मंदिर आप अपना ईष्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आप अपना मंदिर लगा सकते हैं और आपने अपनी किचन के अंदर मंदिर लगाना है तो आप अपना मंदिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं यहाँ पर अपना मंदिर लगा सकते हैं ऐसे ही मंदिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर आप इस प्रकार से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आपकी पिज़्ज़ा शॉप पहले दिन से ही अच्छी चलेगी यानी जिस दिन आप ओपन करेंगे तो आपके यहाँ कस्टमर आना शुरू हो जाएगा और जो कस्टमर आपके यहाँ आएगा वो कस्टमर आपके यहाँ रू रूटीन में आता रहेगा यदि आपकी पिज़्जा शॉप पहले से बनी हुई है और आपने अपने यहाँ पर जो ओवन का सेटअप मैंने आपको यहाँ पर साउथ साउथ ईस्ट के भाग में दिखाया है यदि ये, ये सेटअप आपका साउथ वेस्ट के भाग में बनता है तो आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं आ सकती आपके यहाँ धीरे धीरे करके पैसे का नुकसान होता है पैसे का नुकसान इसलिए होता है कि आपकी वर्किंग अच्छी नहीं होती है जो आपके खर्चे रूटीन के हैं वो खर्चे तो रूटीन में रहेंगे आपने किराया देना है तो किराया तो समय पे जाएगा बिजली का बिल भी, भी समय पे जाएगा जो स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है उनकी सैलरी भी समय पे देनी होगी और किचन के लिए जो सामान रूटीन में आता है वो सामान तो आपको लाकर ही रखना होगा चाहे आपके यहाँ सेल हो या ना हो क्योंकि सामान की एक लाइफ भी होती है कुछ समय बाद वो सामान भी ख़राब हो जाता है यदि वो प्रॉपर यूज़ में नहीं आता तो आपको इस तरह नुकसान लगते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने सेटअप को चेंज करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दो से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी उन सभी वीडियो को देख उनमें से अपने मतलब की कुछ ना कुछ खास जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट के मैप पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी यानी पेड़ रहेगी हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ आप अपने यहाँ पर कुछ भी बदलाव करने से पहले मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार जरूर देखें आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर यह बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार